हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है द सुनामी। सुनामी जो है एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर लहर है जो समुद्र में उठी थी और ये भूकंप भी लेके आई थी और ये बहुत भयानक बाढ़ भी लेके आई थी। ये लगभग 26 दिसंबर 2004 में यहाँ पे आई थी और इसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ भाग जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में इसने काफी तबाही मचाई थी। इस पाठ में हम पढ़ेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियां जो विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से बहादुरी दिखाई जा सकती है वो हमें बताती है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। शुरुआत की जो कहानियां बताई गई हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से ली गई है। इग्नेशियस जो थे वो एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कच्छल में, और उनकी पत्नी ने सुबह 6 बजे उनको जगा दिया। उनकी पत्नी को भूकंप जैसा कुछ एहसास हुआ तो उस व्यक्ति ने क्या किया, टेलीविजन जो है टेबल से नीचे उतार दिया और उन्होंने सोचा कि इसको नीचे उतारने से इसका नुकसान नहीं होगा। और कुछ देर बाद में उन्हें काफी डर लगा और वो लोग घर छोड़ के बाहर आ गए। जब भूकंप के झटके समाप्त हुए तो उन्होंने देखा कि समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आ चुका है और चारों तरफ से अव्यवस्था और तबाही फैली हुई है। उनके जो दो बच्चे हैं उनको उनकी माताजी के जो पिताजी हैं उन्होंने पकड़ लिया था, और उनके मामा भी उनके साथ में थे। वो दूसरी दिशा में थे और ये लोग अलग दिशा में थे। कुछ समय बाद में वो लोग बह गए और उनसे ये लोग कभी भी नहीं मिल पाए। कुछ देर बाद में इग्नेशियस ने देखा उसकी पत्नी भी बह गई और उसके साथ में केवल 3 बच्चे ही रह गए जिनको केवल वो बचा सका। संजीव एक पुलिसमैन है, वो कचल में अपनी ड्यूटी करता है जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक हिस्सा है। इससे सुनामी के समय किसी प्रकार से उसने अपनी पत्नी और बच्चे को बचा लिया, परंतु जब वो बाहर जा रहे थे तो उनका जो गेस्ट हाउस है उसका जो रसोईया है उसकी पत्नी ने चीखने चिल्लाने की आवाज की तो संजीव ने सोचा कि मैं उसको बचा के लाता हूँ, और वो उसको बचाने गए। वो दोनों पानी में बह गए। 13 साल की मेघना जो है अपने माता पिता के साथ में और लगभग 70-80 लोगों के साथ में बह गई। वो 2 दिन उफनते हुए इस समुद्र में बहती रही, फिर उसे लकड़ी का एक फट्टा मिला, उस पे वो आ गई और लगभग 11 बार राहत कोष वाले हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से उड़े, लेकिन किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस लकड़ी के पट्टे के सहारे से धीरे धीरे वो समुद्र के किनारे आ गई और बाद में वो बेहोशी की हालत में मिली। अलमास जावेद है, उसकी उम्र 10 साल है। वह एक कर्मेल कॉन्वेंट जो कि पोर्ट ब्लेयर में है वहां की स्टूडेंट है। उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप है और उसकी मम्मी राहिला है। उनका घर नैन कोरी आइलैंड में है और क्रिसमस के मौके पे उन्होंने सोचा कि हम सब लोग क्रिसमस मनाने के लिए घूमने के लिए चलते हैं। सुबह सुबह उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए और उस समय ये परिवार के सब लोग सो रहे थे। अलमास ने देखा कि उसके पिताजी ने बताया कि पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब पानी वापस तेज गति से बढ़ेगा। उन्होंने सबको जगाया और सब सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ने लगे। इसी भागा दौड़ी में उनके पिताजी को पत्थर से चोट लग गई और वो गिर गए। अलमास के पिताजी जब उनकी सहायता के लिए दौड़े तो बड़ी लहर आई और वो भी उसी में बह के चले गए। अलमास की मम्मी और अलमास की जो आंट है उन्होंने एक कोकोनट के पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन कुछ समय बाद में वो कोकोनट का पेड़ उखड़ गया और वो दोनों भी बह के चली गई। अलमास ने किसी प्रकार से एक लकड़ी के पट्टे का सहारा लिया और वो उस पे आ गई, लेकिन कुछ समय बाद में वो बेहोश हो गई। और कुछ समय बाद में जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को
एक हॉस्पिटल में पाया जो कैमोरेटा में था। और अब ये लड़की उस दुर्घटना के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती। वो बहुत भयानक सदमे में है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खो दिया। अगली कहानी है टिली स्मिथ की, जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। ये बताया गया है इस कहानी में कि स्मिथ फैमिली जो है साउथ ईस्ट इंग्लैंड में अपने क्रिसमस को मनाने के लिए गई थी, और थाईलैंड के इलाके में यहाँ पे ये सब लोग गए थे। ये जो टिली स्मिथ है ये 10 साल की लड़की है और स्कूल में पढ़ती है, और उसके माता पिता है वो उनके साथ में थे, और उसके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ हैं। लगभग 26 दिसंबर 2004 की बात है, खतरनाक सुनामी ने दस्तक दी और वो लोग रास्ते में थे। उन्हें पता लग गया कि ये भयानक तूफान आने वाला है, और धीरे धीरे पानी जो है बढ़ता जा रहा था। पेनी बहुत घबरा गई। धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था और उन्हें डर लगता जा रहा था। टेली स्मिथ जो है उसने भांप लिया कि न कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने भूगोल के पाठ में पढ़ा था कि यदि इस तरह से समुद्र में उफान आता है, इसका मतलब कभी भी समुद्री तूफान या सुनामी जैसा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उसने अपने स्कूल में कुछ दिनों पहले ही 1946 में जो हवाईयन आइलैंड में सुनामी आया था उसका वीडियो देखा था। उस बच्ची को अपने टीचर की सारी बातें याद रही, और उसने अपने घर वालों को बताया कि अब कुछ भी खतरनाक हो सकता है। वो भयंकर रूप से चिल्लाने लगी। उसकी मम्मी सोच नहीं पाई कि वो इतना भयंकर रूप से क्यों चिल्ला रही है, परंतु उसकी मम्मी को ये जरूर लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो सब लोग फटाफट होटल की तरफ भागे, और उनके साथ जितने भी लोग थे वो होटल के तीसरे माले पर पहुंच गए, और तुरंत बाद में सुनामी की लहरें जोर जोर से आने लगी, और वहां जितने भी लोग बाकी बचे थे वो सब बह के चले गए। टिली स्मिथ और उनके परिवार के लोग और उनके साथ जितने भी लोग आए थे जो होटल के तीसरी बिल्डिंग पे आ चुके थे वो सब बच गए। होटल की बिल्डिंग काफी मजबूत थी, इस कारण से वो लोग अपने जीवन को बचा सके। टिली स्मिथ ये घटना बताते हुए आज भी बहुत डर जाती है। ऐसा कहा जाता है सुनामी के इंडिया और श्रीलंका में आने से पहले जंगली जानवरों को शायद इसके बारे में पता लग गया था, क्योंकि इसके आने से पहले जंगली जानवरों का व्यवहार जो है वो बिल्कुल बदल गया था। कुछ लोगों के अनुसार हाथी जो है वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और अपनी जगह छोड़ के ऊंची ऊंची जगह को जाने लगे। जितने भी कुत्ते थे जो अपने मालिक के साथ रोज बाहर घूमने जाया करते थे उन्होंने अपने घर को छोड़ने से मना कर दिया, और वो अपने घरों में ही दुबक के बैठ गए। और फ्लेमिंगो पक्षी जो कि बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ते थे, आज वो बहुत ऊपर नहीं, आज वो बहुत नीचे नीचे ही उड़ रहे थे। और जितने भी जू के जानवर थे और पशु पक्षी थे वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, वो सारे अपने अपने सुरक्षित इलाके में रहना चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये विश्वास है कि जानवरों में एक छठी इंद्री होती है जो कि खतरे को भांप लेती है, तो शायद हो सकता है इस खतरे को आने से पहले उन जानवरों ने इसको भांप लिया होगा। हमें ये तो पूरा पूरा विश्वास नहीं है कि जानवरों ने इसे भांप लिया या नहीं भांपा, परंतु ये पक्का पता है कि इस भयानक त्रासदी में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए, परंतु बहुत कम जानवर इसमें मारे गए। तो जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई तो रहस्य छिपा हुआ होगा। अगर आगे की बात करें तो याला नेशनल पार्क जो है जो कि श्रीलंका में है, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु जैसे हाथी तेंदुआ और भी कई प्रकार के पक्षी वगैरह यहाँ रहते हैं। तो इस समय जब सुनामी आया तो ये पता लगा कि सुनामी के समय लगभग 60 यात्री जो यहाँ घूमने आए थे वो गायब मिले, परंतु बहुत सारे जो जानवर हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित मिले।
केवल दो तीन भैंस जो है वो पानी में बह के चली गई, उसके अलावा इन जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो शायद हो सकता है इस जानवरों को इस त्रासदी का पहले ही अनुमान हो गया होगा। श्रीलंका के एक जेंटलमैन जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, वो कहते हैं मैं मेरे डॉग्स को हमेशा घुमाने के लिए ले जाता हूँ, और आज के दिन पता नहीं उन डॉग्स ने क्या सोचा कि जब मैं उन्हें घुमाने के लिए ले जा रहा था तो उन्होंने घूमने से मना कर दिया और उनके कारण मैं भी अपने घर ही रह गया और उन दोनों ने मेरी भी जान बचा ली। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।